सरकार ने गवाहों और सबूतों के जरिए ये साबित कर दिया है कि मुजरिम चंद्रमोहन ने गुस्से में आकर खुद अपने पिता सूरजनाथ को कत्ल किया है। चूंकि चंद्रमोहन अभी नाबालिग है, इसलिए ये अदालत हुक्म देती है कि मुजरिम चंद्रमोहन को उस वक्त तक बॉस्टल स्कूल में रखा जाए जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाता। ओए नया कैदी अंदर भेजे। ओ भैया क्या किया? गूंगा है क्या? ओए अपना अपना काम करो। होशियार, नया मुजरिम पधार रहे हैं। नया मुजरिम देखेंगे क्यों? बलात्कार का केस है क्या? अरे वो ये तो बच्चा है, लड़की जैसा लगता है, ये क्या रेप करेगा? किसी का मर्डर किया होगा। अबे वो घनचक्कर, मर्डर करने वाला थोड़ा ऐसा नहीं होता। फिर क्या किया होगा रे? इसने जरूर किसी अंधे अपाहिज की पाकिट मारी होगी। बाल बाल इधर दे, इधर दे, ले 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 ले, मार मार मार। फेलियर लगता है। अबे चोरों के राजा कौन है? रूप किरणी। अबे चिकने बोल, अबे कौन है चिकनी? जनाब हीरो साहब को बहुत गुस्सा आएगा, ये मारेगा। हाँ साला अमिताभ का पॉकेट एडिशन लगता है, बहुत मारेगा। पर लेडिया जोरदार है। तेरी हिम्मत हमारे दादा पर हाथ उठा है, शायद तुम हमारे बारे में नहीं जानते हो। कहते रख के मैं नहीं जानता, इसमें मारने की क्या जरूरत थी? चलो रे इसके मुंह क्या लगना है। दीवार पर छोकरी का फोटो उतार रहा था, हमने मना किया, इसने मारना शुरू किया, बस उतना ही सब। ए, कौन है वो? यहाँ बुलाने का इंतजाम करूं? मिल बांट के खाते हैं। कौन? मैं कौन? गवाह लाए? हाँ। वो तो तेरे थोबड़े से ही लगता है। बोल बोल बताता हूँ। बोल। हाँ बता भाई, कौन है तू? चंबलपुर के चंचलदास लंगड़े का नाम सुना है? नहीं, कौन है वो? मेरा दादा। अच्छा। 18 साल की उम्र में उसने एक आदमी का मर्डर किया और इधर 5 साल काटे। अच्छा। हाँ। चंबलपुर के करणदास कानिये का नाम सुना है? नहीं, वो कौन है? मेरा बाप। 17 साल की उम्र में उसने एक मंत्री की जेब काटी और इधर 6 साल काटे। बाप रे। चंबलपुर के भगवान दास जाड़िए का नाम सुना है? नहीं, वो कौन है? मैं हूँ। 16 साल की उम्र में 10 साल की छोकरी का मैंने रेप किया और यहाँ 7 साल काटे।
कहने का मतलब क्या है कि इस बच्चों की जेल के साथ में अपना खानदानी रिश्ता है। तेरा कोई भी रिश्ता हो बगैर परमिशन के तू अंदर नहीं जा सकता। यस सर। आनंद है उसे। हाँ भाई चलो चलो चलो। देखो 1 2 3 4 5 या नहीं हाथ क्यों उठा बे? जी 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 साहब मैं तो आपको सलाम मार रहा था। सलाम मार रहा था। सुबह सुबह थोबड़ा कैसे दिखा? हेल्पिंग नेचर। अखबार दिखाने आया हूँ। कोई कोई गर्म खबर है क्या? अबाउट टर्न। ओए तू भी पलट ओए। तेरा पुस्तक। बोलो बात क्या है? आज रात 12 बजे एक बस तीर्थ यात्रा के लिए जा रही है। भक्तों के दर्शन करने के लिए 3 चालू छोकरे चाहिए। बस लूटने के लिए? हाँ। और बस में तो ज्यादा मुसाफिर होंगे। हाँ। लड़के पहचान ले गए तो? अगर पहचाने गए तो कह देंगे जेल के अंदर रहने वाले छोकरे बाहर जाकर बस को कैसे लूट सकते हैं। और अगर पकड़े गए तो खुद जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे कि तीनों छोकरे 1 घंटा पहले जेल से फरार हो गए थे। क्या ओए बड़ी दूर की कोड़ी फेंकी है। बोल किसको भेजो? वो सूरी बैच तीनों को। चल बे। ये ले कपड़े ले। ये ले कपड़े बदल ले जल्दी। देखो 1-2 रुपए की बात होती तो खैर हम सबर कर लेते। तुमने 10,000 उधार लिए थे। 10,000 बताओ कब वापस लौटाओगे? लाला जी मैंने कर्जे के लिए दरखास्त दी है। अब मिलते ही आपकी रकम दे दूंगा। घिसे हुए ग्रामोफोन की रिकॉर्ड की तरह हमेशा यही जवाब देते हो। देखिए लाला जी आपने इतने दिन सब्र किया है 1 महीना और ठहरिए अब बराबर दे दूंगा। रुको 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 रुको। क्यों क्या हुआ? तो सामने रस लिया है। फौरन अस्पताल पहुंचना है। अच्छा अच्छा अंदर आइए जल्दी आइए। ये क्या जानते हो? चक्कू है चक्कू। ये भी चक्कू है। ए, ये बिल्डरों का बम है। चला ही नहीं रोकड़ा जॉल्स अगर आप हमें दे दें तो बहुत अच्छा होएगा। आए जल्दी निकाला। निकाल। जी हाँ जी ये रहे आपके 10,000। अभी यहाँ गद्दी पर लाना जी। बाद में मैं नहीं दे सकता। अभी ले लो जी। नहीं जी। ले लो जी। नहीं जी। अरे ले लो जी। तुम्हारा खर्च कराता है। शाबाश। अरे मैं तो तीर्थ यात्रा किए बगैर ही लुट गया। गोविंदा। बस बस इधर ही अपुन अभी है। जल्दी आना डकन। हाँ। जल्दी सूरी तुम घबराओ मत दीदी। अपन भाग कर नहीं है माँ को देखने हैं। डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर ने कहा जब इनका ऑपरेशन होगा तभी ये ठीक होगी। ऑपरेशन कब करेंगे? जब हम 25,000 देंगे। ठीक है ये पैसे रख लो। अपन बार बार नहीं आ सकता है। वो जो आदमी गाड़ी में बैठे लाए ना वो जाड़िया। हाँ तुम इस सड़े हुए कद्दू जैसे शक्ल वाले आदमी को आसानी से पहचान सकती हो। अपन इसके हाथ तुम्हें रुपया दे दे। हाँ हे भोलेनाथ हे ईश्वर तूने 2 साल तक मेरी पत्नी को नासिक बोस्टल स्कूल में रखा और मुझे मेरे लड़के की पढ़ाई के बहाने यहाँ रखा। कितना मजा आ रहा था। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने उसका ट्रांसफर यहाँ पे करवा दिया। डैडी मम्मी आ रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। कैसे हो रवि? बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी। पढ़ाई कैसे चल रही है? फाइन वेरी फाइन। हे भगवान मेरे बेटे रवि को तू फर्स्ट डिवीजन दिला देना। बेटे रवि आरती का समय हो गया। अरे प्रभा तुम कब आई? जब आप रवि के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हाँ मगर ये सुबह की पूजा 10:30 बजे क्यों? ये रवि को मैं रात भर पढ़ाता रहा तो सुबह आँख नहीं खुली। इनसे कहिए ना मम्मी कि जरा कम पढ़ाई करे ना खुद सोते हैं ना मुझे सोने देते। क्या आप नौकरी की कोशिश कर रहे हैं? कितनी बार कहा तुमसे कि थोड़ी सी सिफारिश कर दो मगर तुम तो। मैं सिफारिश करूं तो क्या करूं? क्या ये कहूं कि मेरे पति रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए इसलिए नौकरी से निकाल दिए गए? प्लीज इन्हें कोई जॉब दे दो। यही तो प्रॉब्लम है। मैं जहाँ काम मांगने जाता हूँ लोग मेरा पहला एक्सपीरियंस पूछते। ये आप डगमगा क्यों रहे हैं?
रात भर जागते रहे ना मम्मी, और सवेरे से पूजा कर रहे थे, इसलिए वीकनेस तो होगी ही ना। हाँ, रवि ठीक बोल रहा है। अच्छा मैं नाश्ता बना के लाती हूँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर सुशील कुमार। हाँ जी। यहाँ कुल कितने इनमेट्स हैं? यही कुल 40 बच्चे हैं और सब मैडम हमारी तकीद में हैं। और मैडम जी ये अपना टेलरिंग सेक्शन है। बॉयज गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रभावती है, मैं यहाँ की नई सुपरिंटेंडेंट हूँ। अपना अपना काम करो। ए, छोकरी नहीं आंटी लगती है। बेटे तुम्हारा नाम क्या है? बोल रहे सूर्य प्रकाश। मैंने तुमसे पूछा था। सूर्य प्रकाश। That's good. क्या सारे बच्चे यही सोते हैं? यस मैडम। ये बच्चा सॉलिटरी सेल में क्यों है? क्या बताऊं मैडम, आते साथ इसने दूसरे लड़कों से फौजदारी शुरू कर दी। जी मेरे साथ भी बदतमीजी की तो मैंने उसे मारा, फिर अंदर बंद कर दिया। ये जेल नहीं स्कूल है। जी। ये वो इंस्टीट्यूशन है जहां हम जुर्म करने वाले बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करते हैं। सुनो इसे फॉरेन हॉस्पिटल ले जाओ। कौन हो तुम? मुझे चंद्रमोहन से मिलना है। नामुमकिन। मैं हाथ जोड़ती हूँ, एक बार मिलने दो प्लीज। बिल्कुल नहीं, आज ही एक नई सुपरिटेंडेंट ने चार्ज दिया, मेरी नौकरी चले जाएगी। जाओ जाओ। ए, ए, लड़की, ए, रुक जाओ। क्या बात है? चंद्रू कहाँ है? ए, चलो फाड़ लो। चंद्रू को बुलाइए प्लीज। चलो फाड़। चंद्रू मिलवा। मुझे चंद्रू से मिलना है, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, एक बार मिलो। निकलो। चंद्रू डैडी ने भेजा। मैडम चंद्रमोहन भाग गया। क्या? जाओ जल्दी पुलिस को बुलाओ।
घबराने की कोई बात नहीं है मैडम। सुनो, ये खतरनाक मुजरिम लगता है, जरा सावधान रहना। यस मैडम। पीछे पड़े हुए, आप मुझे बचा लीजिए ना प्लीज। घबराओ मत, अंदर आओ मुन्ना। जो लड़की तुमसे मिलने आई थी वो कौन थी और वो गुंडे तुम्हें कत्ल क्यों करना चाहते थे? मैं तुम्ही से पूछ रही हूं, जवाब दो। मेरे बाबा कस्तूरी प्रसाद जी की फिशिंग कंपनी में नौकर थे, उनके लिए झींगे मछलियां पकड़ा करते थे। एक दिन कस्तूरी प्रसाद जी ट्रॉलर पर से गिरने वाले थे कि बाबा ने जान पर खेलकर उन्हें बचा तो लिया, मगर अपनी दोनों टांगे खो दी और रोटियों के वांदे पड़ गए, इसलिए बाबा एक दिन मुझे उनके पास ले गए। मेरी समझ में नहीं आता सखाराम, इतने कम झींगे क्यों पकड़े जा रहे हैं? उन लोगों के ट्रॉलर के जाल में 9 टन झींगे पकड़े गए हैं। सर वो लोग पूरब के बॉर्डर की तरफ गए थे। अरे भाई फिर तुम भी तो पूरब की बॉर्डर की तरफ जाओ। साहब सूरजनाथ आया है। ठीक है, उसको बोलो मैं आ रहा हूँ। सखाराम तुम कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए। उधर देखो, वो दोनों भी कस्तूरी प्रसाद जी के ही हैं। नमस्ते मालिक। नमस्ते। क्या चाहिए तुम्हें? अस्पताल का बिल तो मैंने भर दिया। गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है मालिक, आप कोई नौकरी दे दें तो। दोनों टांगे तो खो चुके हो, क्या काम करोगे? ये मेरा बेटा है मालिक, आपकी दया से बीकॉम तक पढ़ाया है, आप अपनी कंपनी में नौकरी दे दें तो। अरे भाई कोई जगह भी तो खाली होनी चाहिए। अरे ये क्या? मालिक मुझे आप ही का सहारा है। ठीक है ठीक है, फिलहाल तुम इसे मेरे घर भेज दो, मैं इसे क्लर्क की नौकरी पे लगा देता हूँ और बाद में इसे परमानेंट जॉब दिलवा दूंगा। अरे हाँ, कल मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी है, इसे गेस्ट हाउस भेज देना, कुछ छोटा मोटा काम होगा तो कर लेगा। यस सर। जो आ गया मालिक। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? फाइन। बर्थडे बेबी कहाँ है? वो नीचे कहीं गपशप मार रही होगी। तुम्हारे फादर कहाँ है? हेलो हेलो कस्तूरी, कम इन कम इन कम इन, आइए सर प्लीज। Hi. Many happy returns of the day. Thank you, uncle. Many happy returns of the day. Thanks. तुम्हारे जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं तुमसे एक शर्त लगाना चाहती हूँ। उस दिन की बात भूल गई? तुम शर्त हार गई थी और अंधे फकीर को किस करना पड़ा था, फिर भी अकल ठिकाने नहीं आई। पॉलिटिशियंस कहते हैं कि हार जीत की पहली सीढ़ी है। अच्छा, तो
तो ठीक है, बोलो काहे पर शर्त लगी? मेरे डैडी की जेब काट ली। अगर मैंने अंकल की जेब काट ली तो तुम लोगों को वर्ली क्रॉसिंग के ट्रैफिक कांस्टेबल को लिपटा कर उसका प्यार लेना पड़ेगा। ओके लिसन, अगर तुम हार गई तो हिंदी लेक्चरर शंकर शास्त्री को एक निरोध का पैकेट प्रेजेंट करना पड़ेगा। डन। ओके राज। सॉरी अंकल। इट्स ऑल राइट। चोर 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 मुझे सर, ये आपको पंच चोर नहीं हूँ, ये चोर है। आप लोग जल्दी आइए। ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो तुम? सर सर, ये तो फुलन देवी की रिश्तेदार लगती है, इनका पर्स चुरा रही। चुप रहो, तुम जानते नहीं ये कौन है? ये मेरी बेटी है। बिना जाने ही क्या है, कौन है मैं? ठहरो कस्तूरी प्रसाद, इसमें इस लड़के की कोई गलती नहीं है। नीलिमा ने सचमुच मेरी जेब में हाथ डाला था। अंकल आपका पर्स गिरने ही वाला था, इसलिए आपकी जेब में डालने वाली थी। मैं गलत समझा, सॉरी जी। बड़ा आया सॉरी बोले वाला। बेटी छोड़ो इन बातों को, आओ केक काटो। आओ बेटी। Yeah! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nilima. Happy birthday to you. नीलिमा, तुम्हारे इस बर्थडे का स्पेशल प्रोग्राम क्या है? अंताक्षरी, गानों का मुकाबला, सिर्फ फिल्मी गाने होंगे। फिल्मों के पूरे गाने किसको याद रहते हैं? हाँ भाई, ये फिल्मी गाने कौन याद रख सकता है? पूरा गाना गाने की जरूरत नहीं, मुखड़े का कुछ हिस्सा काफी है। हाँ लेकिन ये बताओ कि इसमें मुकाबला क्या है? जब पहला गाने वाला गाना खत्म करे तो दूसरा गाने वाला पहले गाने के आखिरी अक्षर से गाना शुरू करेगा। गाना खत्म करने के बाद गाने वाला ये रुमाल किसी और को देगा। अगर अगला गाने वाला 5 सेकंड के अंदर अंदर गाना न गा सके तो वो हरा हुआ माना जाएगा और अपने कान पकड़ के 100 उठक बैठक करने पड़ेंगे। ओके नीलिमा, पहले तुम शुरू करो। 1, 2, 3, 4, 5। नीलिमा तुम हार गई हो, शर्त के मुताबिक तुम्हें 100 उठक बैठक करने पड़ेंगे। शुरू करो। अरे यार तुम इतने सीरियस क्यों हो? कल रात नींद नहीं आई, उस उल्लू ने मुझे पार्टी में हरा दिया यार। यू इडियट। क्या मैंने तुम्हारी बॉडी को छुआ या किसी लेडी को छुआ? तुमने मुझे इडियट क्यों कहा? अगर मुझे पता होता कि तुम हो तो मैं तुम्हें और भी गालियां देती, स्टूपिड फूल रास्कल। अरे 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 डार्लिंग, मैंने तुमको दिल दिया है, तुम मुझे गालियां देती हो? अच्छा तो तुमने मुझे दिल दिया, मैं तुम्हें एक थप्पड़। अरे यार क्यों इस चंद्रमोहन का गुस्सा इस बेचारे पर उतार रही हो? आखिर तुम चंद्रमोहन से इतनी नाराज क्यों हो यार? जब मैंने उसे देखा तो गले लगाने को जी चाहा। छी, उस बंदर को। ऐसा मत कहो यार, वो बहुत हैंडसम है। अगर वो राजी हो जाए तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। नामुमकिन, तुम किसी और को ढूंढ लो। नामुमकिन, ऐसा क्यों? चंद्रू मेरा पड़ोसी है, जब से मैंने जवानी में कदम रखा है तब से लेके पिछले महीने तक मैंने कई बार उससे ब्याह करने के लिए कहा, आखिर उसने मुझे बहन कह दिया। क्या वो इतना कठिन ब्रह्मचारी है? या 10 दिन के अंदर अंदर वो ये कहते हुए दिखाई देगा कि नीलिमा मैं तुम पर जान देता हूँ और तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। लग गई बैठ। अगर तुम ऐसा करके दिखा दो यार तो मैं कोई भी शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। हम भी तैयार हैं। ओके, जो भी हारेगा उसे बीच में टॉपलेस घूमना पड़ेगा। टॉपलेस घूमना पड़ेगा? हाय कब? ओ शट अप। क्या है मीम साहब? काफी लो बाबू। थैंक्स। नो मेंसेस। हाँ?
मेरी उम्र 20 साल की है, आपकी 40 की। नहीं, सिर्फ 39 की। एक साल के फर्क से पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। ये तो माइनॉरिटी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैच्योरिटी प्रॉब्लम है। आप मेरी माँ बराबर हैं, मैं आपके बेटे के बराबर हूँ। मेरा आपका माँ और बेटे का रिश्ता है। आइंदा जब भी कभी मेरे लिए कॉफी लाना, सॉसर मत लाना। अब वो कोल्ड स्टोरेज वाला ड्राफ्ट आया क्या? जी सर, मैंने कल ही बैंक में डलवा दिया था। गुड मॉर्निंग मैडम। कौन? गुड मॉर्निंग डैडी। ओ हेलो बेटी, कहाँ जा रही हो? साहब आपका फोन है। क्या जी? सुना है तुम अच्छी तरह चला लेते हो। क्या? गाड़ी। हाँ, चला लेता जी। तो फिर चला मेरी गाड़ी। ड्राइविंग तो आप भी जानती हैं। इन हाथों से मैं कैसे ड्राइव कर सकती हूँ रे? चलो बीच तक जाना है। आप अपने हाथ धोकर जा सकती हैं जी। तुम्हें हुक्म मानने की सैलरी मिलती है मिस्टर, बहस करने की नहीं। बेटी क्या हुआ? देखिए ना डैडी, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। मैंने इसे कहा कार ड्राइव कर दो, ये ना कर रहा है। हाँ तुम जाओ, आज कोई खास काम नहीं है तुम्हारे लिए। अरे जाओ जाओ, गो गिव मी द फाइल। यस सर। तुम कैसे चलाते हो रे? थोड़ी स्पीड और बढ़ाओ। बाय द वे, तुम कहाँ तक पढ़े हो? बीकॉम। इसीलिए खामोश हो? मैं तुम्हारा जनरल नॉलेज टेस्ट करना चाहती हूँ। दुनिया में गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा स्टैचू कहाँ है? हैदराबाद के हुसैन सागर में। अगर सिनेमा हॉल औरतों से भरा हुआ हो तो कौन हंसेगा और कौन रोएगा? प्रोड्यूसर हंसेगा और साइकिल स्टैंड वाला रोएगा। गुड। अगर भिखारी के हाथ में बंदूक देकर उसे जंग में भेज दिया जाए तो वो क्या करेगा? दो गोली दान में दे दो बाबा कहकर दुश्मनों से भीख मांगेगा। परवाह नहीं, आईक्यू तो अच्छा है। अरे अरे, मेरा दुपट्टा गिर गया। जरा ठीक कर दो। ओह माय गॉड, ये काम मैं नहीं कर सकता। गाड़ी रोको। तुम क्या समझते हो मैं मस्ती के लिए ऐसा करने को कह रही हूँ? हाथों में मेहंदी रे, ठीक करो दुपट्टा। ठीक करना अच्छा नहीं लगेगा जी। तो फिर उसको बुलाओ। ए भाई साहब, एक मिनट जाइए इधर। शर्म नहीं आती? उस अजनबी से मेरा दुपट्टा ठीक करवाओगे? आपने तो कहा था। तुम ही ठीक करो। चुपचाप ठीक करो, नहीं तो मैं डैडी को बताऊंगी। कर दूंगा जी। मलेरिया बुखार जैसे आदमी की तरह कांप क्यों रहे हो? आंखें क्यों बंद कर रखी है? इसलिए कि हाथ कहीं और जगह लगा दो और फिर सॉरी कह दो। आंखें खोल के ठीक करो। गाड़ी चलाओ। सॉरी। लीजिए। तुम्हारी खोपड़ी में कुछ है कि नहीं? हाथों में मेहंदी रे, मैं कैसे खा सकती हूँ? पास आओ और खिलाओ। आइसक्रीम किससे खाई जाती है? मुंह से। देखो तुमने कहा रखी है। सॉरी जी। पास आओ। अरे इधर आओ। अब खिलाओ। अरे अरे, वो आइसक्रीम पिघल रही है, तुम खाओ और मुझे भी खिलाओ। मेरी आंखों में देख रहे हो, तुम्हें कैसे लग रहा है?
लगता है यह आइसक्रीम जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा है। अरे बुद्धू कहीं का, देखती हूँ तुम मेरे रास्ते पर कैसे नहीं आओगे। ओह, मेरी कुर्ती का जिप खुल गया, प्लीज उसे बंद कर दो। अरे जल्दी करो, किसी ने देख लिया तो। इसीलिए तो मैं भी डर रहा हूँ। डोंट वरी, दो और लेकर आओ। अरे लड़कियों की तरह क्यों शर्मा रहे हो, जाओ लेकर आओ। मेरे पास और पैसे नहीं है जी। ओह सॉरी, मेरे पास है, ले लो। कहाँ? यहाँ, निकाल। अच्छा नहीं लगेगा, आप निकाल कर दीजिए ना। मेहंदी रे, निकालो। जी नहीं, लेकिन हाथ से निकालो। अरे बेटा, ये तुम्हारे मुंह पर क्या लगा हुआ है? मुंह पर? अरे अरे ये क्या है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं पता बाबा, किसने लगाई मेहंदी? अरे कोई लगा गया, तुम्हें पता तक नहीं चला? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आई लव नीलिमा। प्रसाद लो रे। नहीं, ये गलत है, भगवान के प्रसाद को ना करना पाप है, लो। क्यों रे, कल मैंने मेहंदी लगाई और आज देखा देखी तुमने भी लगा ली, क्या लाइन मार रहे हो? जी नहीं, असल में मगर मेहंदी क्या रंग लाई है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस लड़की से तुम प्यार करोगे वो भी तुम पर मर मिटेगी। प्रसाद दीजिए। प्रसाद? प्रसाद कोई किस थोड़ी है कि जहाँ चाहो वहाँ ले लो। दाहिना हाथ बढ़ाओ। घोड़ियों की तरह ये क्या, खोलो हाथ। डैडी को बुलाओ। नहीं जी। आई लव नीलिमा। मैं सो रहा था, जागा तो पता चला कि थैंक्स, तुम जागी तो और तुम्हें पता तो चला। पर तुमने उसके मेहंदी लगाई कैसे यार, कि उसे पता तक न चला? जैसे मैंने उस दिन सिनेमा हॉल में तुम्हारी ब्रा का हुक निकाल लिया था और तुम्हें पता भी नहीं चला था। याहू! हाय नीलिमा। हाय। क्यों आज बहुत खुश नजर आ रही हो? क्योंकि मैं शर्त जीत गई। इस शर्त को छोड़ो, वो जो शर्त हमने चंद्रू के बारे में लगाई थी उसका क्या हुआ? वो शर्त तो नीलिमा हारने वाली है। हारना नीलिमा ने कभी सीखा ही नहीं। तुम लोग टॉपलेस घूमने की तैयारी करो, क्योंकि संडे को वो ये जरूर कहेगा और तुम लोग सुनोगी। बाय। कह देना कि मैंने उनकी बेटी को स्विमिंग नहीं सिखाई इसलिए वो डूब मरी। प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो फिर सिखाओ। नहीं, मैं नहीं सिखा सकता। तो फिर तुम्हारी बैड लक, अगले जन्म में मिलेंगे। बाय। अरे हाय लूसी,
लूजिंग टीम, इसका मतलब चंद्र तुम पर मर मिटा। अब हम क्या करेंगे? मैं नहीं मानती कि वो तुम पर मर मिटा। तुम लोग खुद ही सुन लेना, मैं उसे अभी बुला कर लाती हूँ। अरे यार, ये शर्त में मैं हिस्सा नहीं लूंगी क्योंकि मेरा फिगर अच्छा नहीं है। लव लेटर, खुद ही देख लीजिए। इट्स ऑल राइट, मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैंने अपनी सहेलियों के साथ शर्त लगाई है, तुम मेरे साथ चलो और उनके सामने कहो कि नीलिमा मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। चलो। मैं नहीं कहूंगा। What? कह जो दिया कि मैं नहीं कहूंगा। Just for fun. Sorry. अगर तुमने नहीं कहा तो जानते हो क्या होगा? कुछ भी हो जाए। प्लीज चंद्रू, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एक ही बार प्लीज। इसके बगैर जो कुछ भी तुम कहोगी मैं करूंगा। पियो। मुझे इसकी आदत नहीं है। तुमने कहा ना कि जो मैं कहूंगी तुम करोगे। अगर तुम नहीं पियोगे तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। साला नशे में धुत हो गया। अब मैं उसे आई लव यू कहने पर मजबूर कर दूंगी और शर्त जीत जाऊंगी। क्या है कैसी लगी चंद्रू, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? मेरे बगैर जी नहीं सकते ना? नो चंद्रू, प्लीज चंद्रू, मेरी फ्रेंड से जाकर कह दो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, नहीं तो मैं शर्त हार जाऊंगी। तुम हार गई तो मुझे क्या? इसे क्या तुम प्यार का मतलब समझती हो? नीलिमा जी, प्यार पूजा के बराबर होता है। नीलिमा, what is happening? You idiot! तेरी ये हिम्मत, क्या सोचते हो अपने आप? नीलिमा, आखिर हुआ क्या? ये पिकर अनाप शना बकरा डैडी बोलता है मुझे प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। नो, 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 कमीने, तेरी ये मजाल। मैंने तुझे नौकरी दी और उसका ये सिला। बस कीजिए। हट जाओ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नमक हराम, किसी को करता है? इधर आ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ मालिक? चुप, नमक हराम। मुझे तेरे अपायस होने पे दया आई और मैंने इस कमीने को काम पर लगा दिया। तुम लोग जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। मेरी बेटी को जाल में फंसा के तुम करोड़पति बनना चाहते हो। मालिक, एक बार तूने अपनी टांगे खोकर मेरी जान बचाई थी सूरजनाथ, इसलिए मैंने तेरे बेटे को जिंदा छोड़ दिया। अगर फिर इससे प्यार मोहब्बत के किस्से छेड़े तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। मालिक, गरीब को सिर्फ रोटी का सपना देखना चाहिए, प्यार का नहीं। ये अभी नादान है, मैं इसे समझा दूंगा। आप इसे क्षमा कर दीजिए, आप इस पर रहम खाइए। बाबा,
कुछ नहीं किया बाबा। अरे 20 साल तक मैंने तुझे पाला पोसा, मैं नहीं जानता तू कैसा था। रो मत बेटा, रो मत। खाना क्यों नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है। मार उस बेचारे चंद्रू ने खाई और पेट तुम्हारा भर गया। मम्मी, सरला ने मुझे सब कुछ बताया। अपनी शर्तों, अपनी खुशियों के लिए तूने तूफान खड़ा कर दिया। वो एक शरीफ लड़का है जो तुम्हारे डैडी की मार को सह गया। अगर इस अपमान की वजह से उसने आत्महत्या कर ली तो दौलत बच्चों को इस तरह खराब कर दे तो बेहतर है माँ बाप करीबी हो। एक मगरूर अमीर लड़की की तरह नहीं बल्कि एक नेक सीरत वाली लड़की की तरह जीना सीखो। नीलिमा जी, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मुझे अपनी गरीबी में जीने दीजिए। लगता है फिल्में देख देख कर और रोमांटिक नॉवेल पढ़ पढ़ कर आपने ये सोच लिया कि किसी गरीब लड़के से प्यार करना चाहिए। दरअसल जिंदगी में ऐसा होता नहीं। मेरे लिए तो आपके घर में सिर्फ दो वक्त की रोटी है। आप नहीं जानती कि दो वक्त की रोटी क्या होती है। मुझे इसी हाल में रहने दीजिए चंद्रमोहन। चंद्रू, चंद्रू, तुम मेरे मालिक की बेटी हो, अंदर बुलाने को जी नहीं चाहता और बाहर जाने को कह नहीं सकता, मगर हाथ जोड़कर इतना तो कह सकता हूं कि मेरे बेटे के रास्ते में मत आओ। मैं माफी मांगने आई हूं। अगर मालिक को पता चल गया कि तुम इस गरीब के घर माफी मांगने आई थी तो वो जीवन भर मुझे माफ नहीं करेंगे। ऐसा ना कहिए अंकल। अंकल नहीं बेटी, नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझे यूं पुकारो और ना मैं ये कहलाने के लायक हूं। जाओ बेटी, अपने घर जाओ। चंद्रू कैसा है? अभी जिंदा है। अगर अमिताभ बच्चन या अनिल कपूर को बुलाए वो तो शूटिंग में मसरूफ होंगे, वो तो आ नहीं सकेंगे ना। क्यों ना पुलिस को बुला लें? अरे वो तो सिर्फ लाशें लेने आती है। अरे अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, पुलिस और लाशों की बातें क्यों कर रहे हो भैया? अगर तुम सब लोग सिर्फ बातें ही करते रहे तो वो ऊपर ओम नमः शिवाय। क्या सचमुच मैंने नहीं देखा जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये शोर बंद करो। किसे शोर बंद करने के लिए कह रहे हो? मोटरों की 1 किलोमीटर लंबी लाइन अपने भोंपु बजा रही है। ए मिस्टर उतरो, अगर तुम कूद पड़े तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सुनो, अगर वो कूद पड़ा
तो तुम क्या मार डालोगे? वो तो स्वयं ही मर जाएगा। ओम नमः शिवाय। तुम कौन हो? मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने इस आत्महत्या के दृश्य को देखा। इसे जी में बैठाओ। क्यों, मुझे क्यों? अगर वो मर गया तो गवाही देने के लिए। क्या कचहरी के चक्कर लगवा लगवा के मेरी जान लेना चाहते हो क्या? अरे उसको मरने से बचा लो, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। अबे चुप। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हो। जो तुम लोग कह रहे हो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। फायर ब्रिगेड भी आ गया। अरे धक्के क्यों दे रहे हो भाई? पेपर वाले फोटो ले रहे, हमारे थोबड़े भी नजर आने चाहिए। मरने वाला ऊपर मर रहा और तुम लोग नीचे फोटो के लिए मर रहे हो। ओम नमः शिवाय। आप मरना क्यों चाहते हैं? है तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? अरे तुम लोग इतना गला फाड़ फाड़ के क्यों चिल्ला रहे हो? यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात यहाँ सुनाई नहीं पड़ रही है इतनी देर से। ओम नमः शिवाय। अरे नीलू वो देख चंद्रू है। मैं तो ये बोर्ड लिख रहा हूँ। नीचे उतरो। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। चंद्रू मत कूदो। चंद्रू। अरे लिख लीजिए महोदय, बालक का नाम चंद्रू। ओम नमः शिवाय। प्लीज ऐसा मत करो। मैडम क्या आप उसे जानती हैं? वो आत्महत्या क्यों करना चाहता है? क्या तुम्हारे वालदे ने तुम दोनों का प्यार मंजूर नहीं किया? ये क्या, ये लड़की भी ऊपर चढ़ रही है? दोनों मिलकर एक साथ मरना चाहते हैं क्या? ओम नमः शिवाय। ये वर्दी पहनकर ऐसी बातें करना आपको शोभा देता है? मेरे घर में तू किस में? चंद्रू आई एम सॉरी, मैं अपने किए पर पछता रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। चंद्रू अगर तुमने आत्महत्या की तो मैं भी यहाँ से कूद कर तुम्हारी साथ अपनी जान दे दूंगी। प्लीज। अब पकड़ा गया। क्या साहब क्या हुआ? तुम मुझसे पूछते हो क्या हुआ? तू तो खुदकुशी करने वाला था और अब भोला बनता है। खुदकुशी? मैं? हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो यहाँ पेंटिंग कर रहा था, भोले से डिब्बे का ढक्कन फिसल कर उस आदमी पर गिर पड़ा। सच? हाँ साहब मैं सच कह रहा हूँ। पुरोहित आप मुझे क्यों अंदर धकेल रहे हैं? ओम नमः शिवाय। तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया और इतना बड़ा हंगामा किया, इसलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप अंदर नहीं आएंगे क्या? चल विचार। चंद्रू छोड़ो मुझे। मगर पहले कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। छोड़ो मेरा हाथ। चंद्रू आई लव यू। चंद्रू उस दिन मैं तुमसे ये कहलवाना चाह रही थी, आज यही कहने मैं तुम्हारे पास आई हूँ। आई लव यू। बंद करो ये नाटक। ये नाटक नहीं है चंद्रू, ये सच है। मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करती हूँ। चाहे तुम सच बोलो या झूठ, मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए। चंद्रू प्लीज ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ और ये भी जान चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। मैं तुम्हें सचमुच प्यार करती हूँ चंद्रू। प्लीज बिलीव मी। सॉरी। चंद्रू चंद्रू अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं एक पल भी और जीना नहीं चाहती। मैं पहाड़ी से कूद कर अपनी जान दे दूंगी। प्लीज। आई डोंट केयर। तू कहाँ जा रही नीलू? चंद्रू सुनो, चंद्रू वो सचमुच मरने जा रही है, उसे बचा लो। अरे सारी जाए मेरे स्कूटर से दे दे जाए। ओ भाई साहब तुझे मेरा बुलेट है। अरे भैया स्कूटर दे दो। अरे मेरी मुंह पे। अरे भैया हमार साइकिल।
शुक्र है रब्बा, और मेरी मोटरसाइकिल मिल गई, देखा ठीक ठाक से है ना? ओ हाँ ठीक है, मुझे मिल गई, थैंक गॉड, मेरी बुलेट। नीलिमा, पागल हो गई क्या? हट जाओ मेरे रास्ते से। पहले मेरी बात तो सुनो। हट जाओ। जानती हो तुम क्या कर रही थी? मेरे रास्ते में मत आओ। मौत तुम्हारा रास्ता नहीं है। मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें तुम्हारा प्यार ना हो। Let me die. You? मुझ पर हाथ उठाने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? तुम्हारे लिए मेरे प्यार ने। Yes, मैं तुम्हें चाहता हूँ। इसलिए उस दिन जब तुम्हारे डैडी ने मुझे बेरहमी से पीटा तभी मैं खामोश रहा ताकि तुम पर आंच तक ना आए। उस खामोशी का मतलब तुम समझती हो? प्यार, लव। चंद्रू। नो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे शादी करूंगा। गरीब का प्यार शादी के मंडप तक पहुंच नहीं सकता। अगर जबरदस्ती पहुंचाया जाए तो मेरे बाबा आशीर्वाद देने मंडप तक आ नहीं पाएंगे और तुम्हारे डैडी कन्यादान कर नहीं पाएंगे। अगर प्यार का शब्द तुम्हें बचा सके तो रियली आई लव यू। अगर तुम चाहती हो हम अपना जीवन आराम से गुजारें तो फॉरगेट मी एंड फॉरगिव मी। चंद्रू ऐसा मत कहो। अगर मैं तुम्हारे बगैर जी सकती तो आज मरने की कोशिश क्यों करती? जरूरत पड़ी तो क्या मैं डैडी का घर छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे पास नहीं आ सकती? चंद्रू डोंट लीव मी। आई लिव फॉर यू, आई डाई फॉर यू, आई डाई फॉर यू, आई डाई फॉर यू। आइए जी, वो देखिए। मैम साहब, सेठ जी ने बोला अगर नींद आ रही है तो घर पर जाके सोइए। के लिए मैंने 50 लाख का घर बनवाया है और सिर्फ तुम्हारे बेडरूम की फर्निशिंग पर 4 लाख खर्च किए हैं और ये सब छोड़कर तुम रेत पर उसकी गोद में लेटी हुई थी। मैं उससे प्यार करती हूँ। प्यार? तो फिर उस दिन तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा? तब मुझे उससे प्यार नहीं था। आहा, तो अभी 4.25 दिन में उससे प्यार हो गया? Yes, daddy, I'll live for him and I'll die for him. Look, जिसे तुम प्यार कहती हो वो एक अमीर लड़की की जिद है। तुम्हारी जैसी लड़की को पाने के लिए चंद्रमोहन जैसे लड़के हजारों रूप बदल सकते हैं। डैडी, चंद्रू ऐसा लड़का नहीं है। He's a great boy. मैं उसकी 4 पुश्तों को जानता हूँ। गरीबी की चादर ने उस घर को ओढ़ रखा है। हमारी बेटी उससे प्यार करती है। चंद्रू ऐसा हुआ तो क्या, हमारे पास बेशुमार दौलत है। सावित्री, उस आवारा के प्यार ने इस पर जादू कर दिया है और तुम्हारी बेटी के प्यार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। रविंद्र का बेटा अमेरिका में करोड़ों रुपए कमा रहा है। नीलिमा की शादी उससे कर देंगे। मुझे आपका स्टेटस नहीं चाहिए और ना ही स्टेटस वाला लड़का। मेरी शादी सिर्फ चंद्रू से होगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस घर से मेरी टोली की बजाय मेरी अर्थी उठेगी। नीलिमा, तो तुम्हें अपनी डैडी की बिल्कुल परवाह नहीं? नहीं। और तुम उसी से शादी करोगी? हाँ, सिर्फ उसी से। ठीक है, तो मैं मुहूर्त निकलवाता हूँ। Ah.
पहले उस हरामी चंद्रमोहन को उड़ा डालो। अगर उसका लंगड़ा बाप बीच में आए तो उसे भी खत्म कर दो। ये काम सूरज निकलने से पहले हो जाना चाहिए। जज्बात में आकर उस आदमी को जान से मार डालना चाहता था जिसने मेरे पापा की हत्या की और मैंने सबल अपने हाथों में पकड़ ली। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जब पुलिस मौके पर वारदात पर पहुंची तो सबल मेरे हाथों में थी। कस्तूरी प्रसाद ने झूठी गवाहियां पेश करके पुलिस और अदालत को यह यकीन दिला दिया कि अपने बाबा का कातिल मैं ही हूं। तुम्हारे साथ जरूर इंसाफ होगा। नीलिमा से तुम्हारी शादी मैं खुद करवाऊंगी। ये टाइम ही चंद्रू का चक्कर लाश नहीं हुआ
मेरी इज्जत की तो वाट लग गई मां कसम। पन अपन का यकीन करो सेठ, मैं यमराज के पांव पकड़ेगा, चित्रगुप्त को मस्का मारेगा, पन अगली बार वो चंद्रू का मुंडी कटा बॉडी आपको जरूर दिखाएगा। गाड़ी रोको, चलो उतरो। हाँ? उतरो। तुमने आज तक मेरे लिए किया क्या है? चलो उतरो। क्या सेठ, आप मेरे को रोड पे उतरने को कह रहे? तुम चाहे किसी के भी पांव पड़ो या किसी को भी मस्का लगाओ, मुझे उससे क्या, लेकिन अपनी सूरत मुझे चंद्रमोहन को मुर्दा घर पहुंचाने के बाद ही दिखाना। चलो ड्राइवर, कम इन। नमस्ते। आप? मेरा नाम प्रभावती है, मैं बॉस्टर स्कूल की सुपरिंटेंडेंट हूँ। अच्छा अच्छा, तो चंदा वंदा लेने आई हो? जी हाँ, आपकी बेटी नीलिमा का हाथ चंदे में मांगने आई हूँ, अपने बेटे के लिए नहीं, हमारे स्कूल के एक स्टूडेंट चंद्रमोहन के लिए। मैं अपात्र दान नहीं करूँगा। लेकिन आपकी बेटी तो अपने दिल का दान चंद्रमोहन को पहले ही कर चुकी है। उस वक्त उसे ये नहीं मालूम था कि वो एक कातिल है। वो कातिल नहीं है। लेकिन अदालत ने उसे कातिल माना है। उसे कातिल क्यों करार दिया गया आप अच्छी तरह जानते हैं, और उसे मरवा डालने की कोशिश क्यों की गई मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अगर आपको अपनी बेटी से सचमुच प्यार है तो उसकी शादी चंद्रमोहन से कर दीजिए। क्या कहा आपने, मैं अपनी बेटी की शादी उस कैदी से कर दूं? वो जुर्म का कैदी नहीं, प्रेम कैदी है। मैं जानता हूं मुलाजमों की तनख्वाहें कम होती हैं, इसलिए वो साइड बिजनेस करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो तुमने भी पैसों के लिए शुरू कर दिया ब्रोकर का धंधा। मिस्टर कस्तूरी प्रसाद, मेरी आवाज आपकी आवाज से कहीं ऊंची जा सकती है प्रभावती जी, दिल्ली तक जा सकती है, इसलिए आप अपनी आवाज को धीमी रखिए और अपने बेहुदा सुझावों को अपने पास रखिए। अगर आपने ये हरकतें जारी रखी तो हो सकता है कि आपको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाए। ठीक है, समझाना मेरा फर्ज था, मैं तो चाहती थी कि ये बात कायदे से सुलझ जाए, लेकिन कहानी आपको कॉम्प्लिकेटेड ही पसंद है तो। जिंदगी कॉम्प्लिकेशंस का कॉम्बिनेशन है प्रभावती, मैंने हर कदम पे मुश्किलों का सामना किया है, एक मामूली सी हैसियत से इस रुतबे तक पहुंचा हूं, और अब मैं अपनी बेटी की शादी उस फकीर से करके खुद फकीर नहीं बनना चाहता। जिसे आप फकीर समझते हैं वो प्यार की दौलत से माला माल है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि चंद्रमोहन और नीलिमा की शादी तो होगी ही, आपने आशीर्वाद दिया तो भी और नहीं दिया तो भी। अगर उन दोनों की शादी की नौबत आ गई तो फेरे पड़ने से पहले खत्म करवा दूंगा उन दोनों को। मिस्टर कस्तूरी प्रसाद, आप जरा गौर से सुनिए, वो लोग भी इस दुनिया में नहीं रहे जो धर्म की दीवार खड़ी करके प्यार के आड़े आए, वो लोग भी इस दुनिया से चल बसे जिन्होंने जात पात के बिना पर दो प्रेमियों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया, और उन लोगों का तो पता तक नहीं मिला जिन्होंने हैसियत और रुतबे की झूठी शान के लिए कई शादियां रुकवा दी। आप अपना घमंड त्याग दीजिए और इन दोनों के प्रेम को स्वीकार कीजिए, वरना आपकी बेटी का हश्र भी वही होगा जो लैला का हुआ था। मैं आप करके बात कर रहा हूँ और तुम आपने से बाहर हुई जा रही हो, क्या चीज हो तुम्हें, क्या हैसियत है तुम्हारी? Get out of my house! मैडम, मैडम, चंद्रू कैसा है? वो चांद तो इस वक्त ग्रहण में है नीलिमा। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, क्या आप एक बार मिलने देगी? नीलिमा, अंदर आओ। हेलो। हेलो शेठ, मैं इधर से भगवान दास बोल रहा हूँ। क्या बात है शेठ, आपको वो ब्लड प्रेशर या हार्ट के अटैक बिटैक का लफड़ा तो नहीं है ना? क्यों नहीं, कोई खास बात नहीं है, खाली मेरे को डर है कि जो खबर मैं आपको सुनाने वाला हूँ कहीं वो सुन के आप टपक नहीं जाओ। बकवास बंद करो, बात क्या है शेठ?
वो साला चंद्रमोहन अस्पताल से सटक गया है। हेलो 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 शेठ, आप जवाब मेरे को नहीं दे रहे। हेलो शेठ, हेलो हेलो, आप कुछ टपक गया क्या? हेलो शेठ, आप जाके देखो कि आपकी छोकरी घर में है या नहीं है। हेलो नीलिमा, नीलिमा नीलिमा, तुम्हारी सुपरिंटेंडेंट कहाँ है? दफ्तर में। स्टॉप देयर, इजाजत के बिना अंदर आना मना है। मैडम बात यह है कि आप आ सकते हैं इंस्पेक्टर। शेट, ये तो हवा ताइत का डालेंगी। वो दिन तुम इसकी इंसल्ट किए थे क्या? कस्तूरी प्रसाद की लड़की नहीं मिल रही मैडम। अरे उसकी लड़की नहीं मिल रही तो उससे कहो कि जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाए। उसी रिपोर्ट के बूते पर तो हम यहाँ आए हैं। इंस्पेक्टर, इनसे कहिए कि अपना मुंह बंद रखें। मुंह बंद हकाल देगी। हाँ मैडम, चंद्रमोहन जिसने इनकी लड़की से प्यार किया वो भी अस्पताल में नहीं है। अस्पताल में कैसे हो सकता है? वो वहाँ नहीं होगा। वो वहाँ कैसे हो सकता है? तुमने भगवा जो दिया दोनों को। अगर तुमने एक लफ्ज भी और बोला तो आई विल सेंड यू आउट। मैडम अगर चंद्रमोहन अस्पताल में नहीं है तो फिर वो कहाँ है? वो वहाँ से डिस्चार्ज होकर यहाँ आ गया है। आ गया तो फिर कहाँ छुपाया? पीछे मुड़ के देख जाड़िया। मैं जाकर गाड़ी में बैठता हूँ। सॉरी मैडम। सर जी क्या बात है? सर जी वो आपके आने के बाद ही चंद्रू बार से आया है। ठीक है चलो। कहाँ ले गई थी इसे? भक्त प्रहलाद पिक्चर दिखाने। भक्त प्रहलाद? देखा, वही भक्त प्रहलाद ना जो अपने खुद के बाप के साथ पलटी मार गया था। क्यों, अपनी बच्ची को दिखाने के लिए दूसरी पिक्चर नहीं मिली थी क्या? भगवान दास, आप इतने गर्म क्यों हो रहे हैं जी? हम पिक्चर ही देखने गई थी। ये देखिए हाफ टिकट्स। मर्डर करने वाले सबूत के लिए ऐसे टिकट के टुकड़े छुपाते हैं। थिएटर में फेंकने वाले टुकड़े को घर तक लाए, ये डाउटिंग की बात है। शेठ, मेरे को तो लगता है वो टपोरी को मदद करे लिए तुम्हारी घरवाली। अरे जब होम डिपार्टमेंट में ऑपोजिशन हो तो प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे ना शेठ तो मुबारक हो, एक ना एक दिन तुम नाना जरूर बन जाएगा। भगवान दास, हैरानी की बात नहीं होगी अगर मोतीलाल की दूसरी बेटी की तरह घर से गुल हो जाए। यानी कि मेरी बेटी? अब परसों की बात है, रामलाल की बेटी भी प्यार में फंस गई। उसके बाप ने आपकी तरह ना की तो बेचारी ने फंदा डालकर फांसी लगा ली। अरे तुम तो मिसाल पे मिसाल दिए जाते हो, अपनी खोपड़ी चला के कोई तरकीब निकालो। उसी पर तो आ रहा हूँ शेठ, बेबी को जल्दी फॉरेन कंट्री भेज दो। आइडिया अच्छा है भगवान दास। रविंद्र का बेटा जो 20 करोड़ का वारिस है, मैं नीलिमा की शादी उससे कर दूंगा और नीलिमा को उसके ससुराल अमेरिका भेज दूंगा। सुरी हटेंगी, चंद्रू जिस लड़की से प्यार करता है उसकी शादी किसी और के साथ हो रही है। मैडम, 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 मैडम दफ्तर में नहीं है। साहब, साहब, सुनाओ मुझे सब ठीक चाहिए मुझे। क्या है? पुलिस जबरदस्ती नीलिमा की शादी कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए साहब। प्लीज साहब मुझे एक बार बाहर जाने दीजिए ना। ओए मुंडा पागल हो गया, इसे अंदर डाल दो। नहीं साहब, नहीं साहब, 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 मैं आपके पास पड़ता हूँ, सिर्फ एक बार साहब, मुझे बाहर जाने दीजिए साहब, प्लीज साहब। रुक जाओ, मेरी नीलिमा को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मैं मार डालूंगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ, Thank you.
ये रोना धोना बंद करो, बहुत हो गया। आप इसकी मर्जी के बगैर इसकी शादी क्यों कर रहे हैं? ये शादी रोक दीजिए। मैं इस घर को शमशान बना दूंगा, लेकिन ये शादी नहीं रुकेगी। सजा दो नीलिमा को। आप नीचे जाइए, ये तो बहुत ही डरी हुई है। ऐसी घटनाएं कई हुई हैं, नीचे शादी हो रही है और ऊपर से दुल्हन गायब हो जाती है। मैं यही रहूंगा, जल्दी तैयार करो नीलिमा को। ओम गणेशाय नमः, पधारिए और इस शुभ अवसर पर अपने अपने ध्यान। भैया, अरे तुम यहाँ कैसे आ धमके? तुम तो मेहरा साहब के घर विवाह करवाने गए थे। गया था भैया, परंतु वधू ने उल्टियाँ शुरू कर दी। उल्टियाँ? हाँ, पूछा बोली तीसरा महीना शादी रुक गई। रुक गई? हाँ। वो तो होना ही था। अशुभ पांव जिधर जाएगा उधर ओम नमः शिवा। अब इधर आके मरा, पता नहीं यहाँ कौन मरेगा। चल शुरू हो जा। ओम श्री गणेशाय नमः, शुभ कार्याय नमः। बालिके, विवाह के शुभ अवसर पर लाफिंग चाहिए, वीपिंग नहीं, फायरिंग भी नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय, श्री ब्रह्मा नमः। शादी जल्दी करवाइए। ऐसे शुभ कार्य में शीघ्रता करना उचित नहीं है जजमान। शास्त्र भी यही कहते हैं, ओम नमः शिवाय। नहीं 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 नहीं, उपहार इस समय नहीं। ये उपहार नहीं है, झटपट शादी करवाने का तेरा दहेज। ओम नमः शिवाय, अगर ऐसा है तो ओपनिंग ही क्लोजिंग है। अभी शुरू करते हैं। वर वधू के गले में माला डालेगा, ओ मंगल आय नमः। अब आप अपनी माला वर स्वयं के गले में डालेगा, तू शुरू हो जा। ओ मंगल सूत्र आय नमः, मंगल सूत्र। अबे मोटू, मैंने मंत्र के लिए कहा था, फल के लिए नहीं। जब देखो भोजन पर ही ध्यान रहता। जाओ, इस शादी में तुम्हें किसने बुलाया? शादी? कैसी शादी? वहां का मंगलसूत्र यहां गिर पड़ा, इससे साफ जाहिर है कि ये शादी नहीं होगी। ये शादी होगी, चाहे ये दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर ये शादी जरूर होगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें जेल यात्रा करनी पड़ेगी। तुम कस्तूरी प्रसाद से बात कर रही हो? मैं तुम्हारे बाप के साथ भी ऐसे ही बात करूंगी। अगर मैं चाहूं तो भी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपना सर झुका सकते हो। मेरी बेटी की शादी मेरी मर्जी से हो रही है। सिर्फ तुम्हारी मर्जी से क्या होता है, नीलिमा की मर्जी भी होनी चाहिए। उसने मंगलसूत्र उतार के फेंक दिया, इसका मतलब है कि वो इस शादी के खिलाफ है। मिस्टर कस्तूरी प्रसाद, आप ये जबरदस्ती की शादी करके मुसीबत मोल मत लीजिए। नीलिमा की शादी वहीं कीजिए जहां वो चाहती है। तो उसके चाहने से क्या होगा, वो भी बच्ची है। एग्जैक्टली, वो तो है ही बच्ची, इसीलिए ये शादी नहीं होनी चाहिए। ये रहा आपकी बेटी का 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट, इसके हिसाब से उसकी डेट ऑफ बर्थ 24 दिसंबर 72 है। इसका मतलब है कि उसके बालिग होने में अभी पूरे 25 दिन बाकी हैं। ये सर्टिफिकेट गलत है। नहीं, ये सही है, नीलिमा उसी तारीख को पैदा हुई थी। चुप रहो, तुम्हें क्या पता? मैंने उसे जन्म दिया है, मैं बेहतर जानती हूँ। मिस्टर कस्तूरी प्रसाद, अगर इसके बावजूद भी तुमने ये शादी करवाई तो सबसे पहले हथकड़ी इस पंडित पर लगेगी। अगर हम शादी पर नहीं गए तो किसी श्राद्ध पर जाकर खा कमा लेंगे, हमको हथकड़ी क्यों? अबे उठ मोटू, रोड रोलर की तरह हर जगह सेटल हो जाता है। अबे अपना सामान समेत दुकान बंद कर। भैया बैठो, जजमान बहुत पैसा देंगे। और पुलिस भी ऐसे डंडे मारेगी कि जीवन भर नहीं भूल सकेगा। अशुभ पांव, अशुभ पांव, जिधर जाओ बेड़ा गर्क। वो सक्सेना साहब के विवाह में गया, हार्ट अटैक। वो मेहरा साहब के घर में गया, उल्टियां। और अब इधर पुलिस और हथकड़ी। अब बजर बच्चू की तरह क्या देख रहा है। उठ, अगर आप सब भी अपना आशीर्वाद देना चाहेंगे तो आप भी मुसीबत में फंस जाएंगे। एक तो आशीर्वाद दें, ऊपर से मुश्किलों का सामना करें। उठो भाई उठो, चलो सब। क्यों दूल्हे मियां, आप सीधी तरह नीचे उतर आएंगे या मैं लाठियों का प्रबंध करूं? अगर मैं जिंदा रहा तो मुझे दूसरी दुल्हन मिल जाएगी, मुझे शादी नहीं चाहिए। प्रभावती,
मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरी बेटी की शुभ विवाह में विघ्न डाला है। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी बेटी का जीवन संवार रही हूँ। आज से ठीक 25 दिनों के बाद मैं नीलिमा की शादी चंद्रमोहन के साथ कर दूंगी। 25 दिन? मैं 24 घंटों के अंदर अंदर तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा और 25वां घंटा शुरू होते ही मैं नीलिमा की शादी कर दूंगा। मैडम, इस दुनिया में अपने अपनों का भी साथ नहीं देते। मैं तो आपका कोई नहीं लगता, फिर भी आप मुझे। ऐसा क्यों सोचते हो? मेरा और तुम्हारा इंसानियत का रिश्ता है। तुम्हारी कहानी सुनकर मेरी आंखें भर आई और तुम्हारी मासूमियत ने हर वक्त मुझे अपना फर्ज याद दिलाया। मैडम जी, क्या है ये? आपके ट्रांसफर के ऑर्डर। वहां रख दो। मैडम, फिक्र मत करो, अगर कस्तूरी प्रसाद के पास दौलत की ताकत है तो मेरे पास ईमानदारी की ताकत है। मैं तुम दोनों की शादी किए बिना यहां से नहीं जाऊंगी। इतनी अच्छी भली गाइड को क्यों काट रहे हो? छोटे छोटे स्लिप्स लिख सकते हो ना। दोबारा कौन लिखेगा, मुझ में इतना सबर नहीं है। देखो लेकिन सावधान रहना, आजकल टीचर्स लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। पकड़े गए ना तो स्कूल से निकाल दिए जाओगे। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आपने तो घर में ही बार खोल रखी है। अपना ख्याल रखिए, मम्मी के आने का वक्त हो गया है। अरे यार परवाह नहीं है, बंबई जाने वाली है ना, जल्दी में होगी। आज तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि दारू की बार कहां से आ रही है। अरे मम्मी आ गई। सुनिए, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी, घर और रवि का ख्याल रखना। फिक्र मत करो डार्लिंग। ये क्या है? खांसी की दवा, खांसी हो गई। इसीलिए कहती रहती हूँ कि ओस में ना सोया कीजिए, लेकिन आप है कि मेरी बात कभी नहीं सुनते। रवि, रवि। जी मम्मी। इम्तिहान की तैयारी कैसे चल रही है? बहुत अच्छी मम्मी। इम्तिहान आज से शुरू है ना? हाँ मम्मी, और मैं जरूर फर्स्ट क्लास में पास हो जाऊंगा। वेरी गुड। ये कैसी दवाई है जो आप शराब की तरह पी रहे हैं? जुकाम हो गया ना मुझे, जुकाम की दवाई है। ये दवाई ऐसे नहीं पीनी चाहिए, नाक बंद करके एक ही घूंट में पी जानी चाहिए। ला मैं बताऊं? मैं पी लूंगा, मैं पी लूंगा। बस लाओ ग्लास मुझे दो, मैं धो दूं। नहीं, जुकाम बहुत खतरनाक होता है, उसके जर्म्स तुम्हें लग जाएंगे। तुम बंबई जा रही हो ना, सबको जुकाम हो जाएगा। मैं तो के लाता हूँ। चोट तो नहीं लगी? पड़ोस वाले बोले कि शंकर चाचा थोड़ी सी ब्रांडी गर्म पानी में मिलाकर पी लो तो जुकाम रफू चक्कर हो जाएगा। हाँ मम्मी, डैडी तो शराब को छूते तक नहीं है, ये तो जुकाम के लिए है। अगर पति अच्छा ना हो तो औलाद के भरोसे जी सकते हैं, और अगर औलाद गलत रास्ते पर चलने लगे तो पति के भरोसे जी सकते हैं। पर मैं तुम दोनों में से किसे देखकर जीऊं? रवि, गुस्सा करने वाली मां से गुमराह करने वाला बाप कभी बड़ा नहीं होता। उस दिन जब ये लड़खड़ाए थे तो तुमने पूजा का बहाना किया था, और आज जब ये नशे में धुत हैं तो तुम जुकाम का बहाना कर रहे हो। हम दोनों तो ढलता हुआ सूरज है रवि, पर तुम तो निकलता हुआ सूरज हो। अपने पिता की परछाई मत बनो। रवि, पेपर ध्यान से लिखना। लाखों का डोनेशन देना मेरे बस की बात नहीं है। अगर अच्छे नंबर आए तभी तुम्हें इंजीनियरिंग में दाखिला मिल सकेगा। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने मुझे किस लिए बुलाया? मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे रवि से करना चाहता हूं। आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ? क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है? हाँ ये सच है,
मैं तुम्हारी बीबी से बदला लेना चाहता हूं। प्रभावती मेरी बेटी नीलिमा की शादी उस कैदी चंद्रमोहन के साथ करवाना चाहती है, मगर मैं तुम्हारे बेटे रवि के साथ करना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त है। क्या? तुम्हें इस शादी के लिए अपनी बीवी को राजी करना होगा। आप फिक्र मत कीजिए सर, अगर वो राजी नहीं होगी तो मैं उसको तलाक दे दूंगा, लेकिन मैं आपका समधी जरूर बनूंगा। अब रवि की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है, तुम भगवान दास के साथ बैंगलोर जाओ और पता करो उस इंजीनियरिंग कॉलेज में कितना डोनेशन देना पड़ेगा। हाँ। तब तक रवि मेरे साथ रहेगा, और हाँ, ये पैसे तुम्हारे खर्चे के लिए। हेल्पिंग नेचर। बेटे अपना ख्याल रखना। अच्छा जी, चलो आओ रवि। अंकल, क्या ये गेस्ट हाउस आपका है? अंकल, अब ये गेस्ट हाउस सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है, और अगर तुमने मेरा कहा माना तो मैं ऐसे कई गेस्ट हाउस तुम्हारे लिए खरीद सकता हूं। अगर आप नीलमा का हाथ मेरे हाथ में दे दें तो आपके लिए मैं समंदर में भी कूद जाऊंगा। गुड। आज रात को तुम एक सूटकेस लेके एक जगह खड़े हो जाओगे, और वहां सामने वाली पार्टी 3 बार टॉर्च जला बुझा के सिग्नल देगी। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत पुराना तरीका है, आजकल स्मगलिंग बहुत साइंटिफिक हो गई है। सामने वाली पार्टी पुलिस यूनिफॉर्म में होगी, तुम अपना सूटकेस उन्हें दे देना और वो तुम्हें एक नोटों से भरा हुआ सूटकेस देंगे, उसे तुम मेरे पास ले आना। ओके ओके अंकल। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। हेलो सर, आइए माल देखिए ना। हाँ हाँ, दिखाओ। नोट लाए? हाँ लाया हूँ ना। ये क्या, कहाँ तक के पैसे देंगे? देंगे बच्चे, स्टेशन में देंगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। थैंक यू मिस्टर कस्तूरी प्रसाद, इन्फॉर्मेशन देके आपने स्मगलर को पकड़वा दिया। अरे कस्तूरी प्रसाद, तूने अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवाने का लालच देकर मुझसे स्मगलिंग करवाई और मुझे पकड़वा दिया। देखना अब मैं तेरे साथ क्या करूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। साहब, ये सुपरिंटेंडेंट साहिबा की सीट है साहब। ओए किधर की सुपरिंटेंडेंट, ओए वाण दे उसे, उसके हाथ में ट्रांसफर ऑर्डर थमा दूंगा और उसको इधर से गेट आउट करा के हमेशा के लिए इस कुर्सी पर विराजमान हो जाऊंगा, समझा? गुड मॉर्निंग मैडम जी। वो जी, वो आपके ट्रांसफर ऑर्डर जी, वो जी। कुत्ते को दरवाजे के बाहर ही बैठना चाहिए और आदमी को घर के अंदर ही। मिस्टर सुशील कुमार, बुजुर्गों ने कहा है कि अगर कुत्ते को सिंहासन पर बिठा दिया जाए। ऐसी बात नहीं है मैडम जी, वो आज एक नया कैदी आ रहा है, उसके एडमिशन की तैयारियां हो रही हैं। नया कैदी कौन है वो? मैडम जी, यही है वो नया कैदी। से ले जाकर सॉलिटरी सेल में डाल दो। यस मैडम। ओ चलो है। नमस्ते शेठ। नमस्कार, इतने दिन कैसे लग गए? अरे कैसे नहीं लगेगा शेठ, जब करेस्पोंडेंट साहब कॉलेज में वेट करते तो आपके ये समधी टाइट होकर अपने कमरे में गुल, और नशा उतरने के बाद जब ये कॉलेज में पहुंचते तो कॉलेज से करेस्पोंडेंट साहब गुल। अरे भगवान दास साहब ही मेरे कमरे में स्कॉच की बोतल रख देते थे, उसको देखकर मेरे मुंह में पानी भर आता था। तुम्हारी राह देख देख कर मैंने तुम्हारे बेटे को आज ही बैंगलोर भेज दिया हवाई जहाज से। आपने मेरे बेटे को हवाई जहाज से भेज दिया? हेल्पिंग नेचर। थैंक यू। सुना है तुम्हारी बीवी वापस आ गई है, जाओ और उसे रवि के बारे में खुशखबरी सुनाओ।
नमस्ते सर। मेरी बीवी कहाँ? ऑफिस में। प्रभा, प्रभा तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? प्रभा मैं तुम्हारे लिए कमाल की खबर लेकर आया हूँ। कमाल की खबर? क्या है वो? रवि को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। रवि अब कहाँ है? बेंगलोर में। अच्छा हाँ? आज यहाँ एक नया कैदी आया है, उसके माता पिता भी उसे इंजीनियर बनाने का सपना देख रहे थे, बिल्कुल हमारी ही तरह। लेकिन वो लड़का एक जुर्म में पकड़ा गया और यहाँ लाया गया। कौन है वो गधा? आइए मैं उससे मिलवाती हूँ। मैं क्यों मिलूँ उससे? क्योंकि वो लड़का कुछ खा पी नहीं रहा। तुम्हें तो अच्छा समझाना आता है ना, हो सकता है तुम्हारे समझाने से कुछ खा पी ले। देखो बच्चे, अब खाना पीना छोड़ देने से क्या फायदा? तुमने अपने बेचारे माँ बाप के सपने तो चकनाचूर कर ही दिए हैं। क्या तुम्हारा यहाँ पर एक गुनेगार बनकर आना शोभा देता है? मुझे देख, मैंने अपने बेटे में दिन रात दिलचस्पी ली है, उसको खूब पढ़ाया लिखाया और अब उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट भी दिलवा दी है। खैर अब गलती तो तुमसे हो ही गई है, लेकिन ऐसे मुंह घुमाए क्यों बैठे हो? एक बार मेरी तरफ देख ले तो कम से कम अगले जन्म में मुझ जैसे शरीफ बाप के घर में तो बेटा बनकर पैदा होगा। देख मैंने ऐसे पति तो बहुत देखे हैं जो अपनी पत्नियों को धोखा देते हैं, पर आज पहली बार मैं एक ऐसा पिता देख रही हूँ जिसने जानबूझकर अपने बेटे की जिंदगी तबाह कर दी। सॉरी प्रभा, मुझे माफ कर दो। मुझसे माफी मांगकर मुझे गुनहगार मत बनाओ। आज से मैं तुम्हारी पत्नी नहीं रही, सिर्फ रवि की माँ हूँ। चले जाओ यहाँ से। प्रभा मेरी बात, चले जाओ यहाँ से। प्रभावती है? देख लिया मुझसे दुश्मनी करने का नतीजा, और ये तो सिर्फ एक मामूली सा तोहफा पेश किया है मैंने। कैसी रही? बहुत अच्छी रही। यस, रवि आज तक अपने पिता की देखभाल में था तो बिगड़ गया, अब वो मेरी निगरानी में रहेगा और सुधर भी जाएगा। थैंक्स फॉर कॉलिंग। हेलो नीलू। हाय, ये रहा मेरी शादी का कार्ड। मुझे पता है तुम्हारी शादी खुफिया तौर से होगी। तुम्हारा क्या ख्याल है हमारी शादी होगी? अरे इसलिए तुम इतनी डल नजर आ रही हो, तुम्हारी शादी चंद्रू से जरूर होगी। चाहो तो शर्त लगा लो, अगर मैं हार गई तो अपने पति को तलाक दे दूंगी। That's it. तो हम चले। ओके बाय बाय बाय। रोहित जी जल्दी कीजिए ना। जजमान, थोड़े समय के लिए ओम नमः शिवाय। ये दो अलग अलग जीवों के शुभ मिलन के शुभ मुहूर्त निकालने की समस्या है, आप मेरी कॉन्सेंट्रेशन को भंग मत कीजिए। ओम नमः शिवाय। महाशुभ मुहूर्त, मैं स्वयं आश्चर्य में हूँ कि ऐसा शुभ मुहूर्त तो कभी हाथ नहीं लगा था। प्रमोद नमः स्वश्चरा पुष्य मासा शुद्ध त्रयोदशी फ्राइडे। Do you know English? यानी शुक्रवार 6 फरवरी 10 PM। फेब्रुअरी फेब्रुअरी कुछ नहीं, इस महीने की 24 तारीख को मुहूर्त निकालिए। ओम नमः शिवाय। पुरोहित मैं हूँ कि आप? अरे पुरोहित आप ही हैं, लेकिन मेरी बेटी 24 दिसंबर को बालिग होगी, उसकी शादी उसी दिन होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, मुहूर्त न हुआ लॉटरी हो गई। क्षमा कीजिए, मैं ऐसे मुहूर्त नहीं निकालता। पुरोहित जी हाँ।
ऐसे समालोचन की आज्ञा तो स्वयं वेद वेदांत भी देते हैं, और देनी पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी। दिसंबर 24 3 बजे का तो मुहूर्त मैं स्वयं ही निकालने जा रहा था। नहीं, वो तो निकल जाएगा, लेकिन मुहूर्त निकालने से पहले जरा ये नोटों की गड्डी में डाल दे। परोहित जी, आप मुहूर्त की चिंता मत कीजिए, मैं शादी नहीं करूंगी। अरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बिटिया, ओम नमः शिवाय। पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही भारतीय संस्कृति की मांग है। तुम हमारी प्राचीन परंपराओं की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। कर सकती हूँ। अरे रे रे रे, ऐसा नहीं कहते, ये कहने से पहले एक बार विचार कर लो बालिके। ऐसा शुभ अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। इस ब्राह्मण का कहा मान लो और विवाह के लिए हाँ कर दो। जरूर करूंगी। हाँ कर रही, कर रही। हेलो पुलिस स्टेशन। क्या पुलिस स्टेशन, क्यों? नमस्ते, मैं नीलिमा कस्तूरी प्रसाद बोल रही हूँ। मैं अभी तक बालिग नहीं हुई हूँ, और एक पंडित मेरे घर पर बैठा मेरी शादी का मुहूर्त निकाल रहा है। उसका नाम, एक सेकंड, ए तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। फिर कभी अपने बाप को पुलिस की धमकी देने की गलती मत करना। 24 दिसंबर दोपहर के 3 बजे तुम्हारी शादी होगी नीलिमा। ए सूरी, तेरी बहन आई है? अभी आया अपन। माँ का ऑपरेशन हो गया? वो अभी कैसे होगा, और 20,000 चाहिए। क्या भगवान दास रोकड़ा नहीं दिया? 2 महीने पहले आके 200 दे गया था, उसके बाद उसने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई, और डॉक्टर ने बोला कि 3 दिन के अंदर अगर माँ का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी जान को खतरा है। समझ में नहीं आया कि क्या करूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। सूरी, अपन कभी सोचा भी नहीं था वो साला भगवान दास ऐसा हराम ही निकलेगा। लेकिन इतना पैसा आएगा कहाँ से? आज रात को अपन बाहर जाएंगे। कैसे? हम सुशील कुमार से झूठ बोलेंगे कि हमें भगवान दास ने बाहर बुलाया है। घबराओ मत, मैं बहुत ही बदनसीब हूँ, अपनी नीलिमा से भी बहुत दूर हो गया हूँ। तुम जाकर अपनी माँ को बचा लो, मैं ये बात किसी से भी नहीं कहूंगा। अब गणेश जी का ध्यान करते हुए जब मैं मंत्र बोलूंगा तो आप कलश में डाल दीजिएगा। ओम गणेश जाय नमः सत्यनाम जाय नमः सत्यम। अबे तू तो शंकर लाल जी के यहाँ विवाह करवाने के लिए गया था? जाकर आया हूँ। जाकर आया? इतनी जल्दी? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? जब बरगाड़ी में जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया होगा। कैसे मालूम हुआ? कैसे मालूम हुआ? खा रहा है। कैसे मालूम हुआ? अबे मोटू, तू बचपन से ही भोंदू है, तेरे पांव ही मनहूस है। ओम नमः गणेशाय नमः, जिधर तेरे पांव जाएंगे कुछ न कुछ सत्यानाश करके ही आएंगे। यजमान पान का पत्ता लो, चल पंखा कर। यजमान ये पान के पत्ते में पानी। अबे अपने को नहीं, मेरे को कर, तेरा बड़ा भाई है, मेरे को। ओम मंगलम भगवान। बहुत होशियारी का टीम है, अपन छोकरी वालों की तरफ से है और तू छोकरे वालों की तरफ से है। तुम इन चीज का ख्याल रखना। अब भगवान शंकर के नाम से इसको कलश में डालिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, होटल का बिल चुका देना, ये रुपए उसे देकर जल्दी वापस आ जाना। जी। क्या सारा दहेज अभी दे जाएगा? नो थैंक यू। पंडाल से निकल के कहां जाएगी? बात समझा करो, अब 2 ही दिन बाकी इसके बालिग होने में, इसलिए चौकन्ना रहने की जरूरत है। जाओ जाके देखो। अरे नीना, तलाश किया जा रहा है मेरी जान। किसी को नहीं। मेरे पास आओ। लगता है किसी ने मेन स्विच ऑफ कर दिया। हाँ, मेरा फेसबुक हो गया, कोई मेरा दहेज का पैसा ले गया। चोर चोर चोर, क्या हुआ? चोर का पकड़ा। अरे नीलिमा कहाँ है? हाँ नीलिमा चली गई। अरे सांची, मैंने तुझे बोला था, अब देख नीलिमा चली गई। ये तेरे मनहूस पांव की करामात है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको तोड़ दूंगा, मैं तोड़ दूंगा, मोटू तोड़ दूंगा। हे चलो, सुनो रे,
रुको रुको। क्या तेरी की? इसे भी अभी खराब होना था। अब क्या करें? विक्की मिस्टर अपनी है कि नहीं देखते हैं। आ। तुम इसमें कैसे आ गई? परसों मैं बालिग हो जाऊंगी और डैडी जबरदस्ती मेरी शादी किसी दूसरे से कर देंगे, मगर मैं चंद्रू के सिवा किसी और से शादी नहीं करना चाहती। उस दिन मैंने आपको बॉस्टन स्कूल में देखा था, इसीलिए बिना बताए आपकी गाड़ी में छुप गई। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे भी अपने साथ चंद्रू के पास ले चलो। उतरो। नहीं, मुझे कुछ मत करो प्लीज। कपड़े बदल कर आओ। क्यों? तीन बाहर आए तो तीन ही अंदर जाने चाहिए। तो फिर तुम? जब तुम बालिग होकर बाहर आओगी ना, तब अपन अंदर जाएगा। जल्दी जाकर कपड़े बदल कराओ, सुबह होने वाली है। जल्दी करो, चलो। और रुको। क्यों है? चुपके चुपके खिसक रहा था। ओए मेरा हिस्सा किधर है? वो क्या है? मैं जल्दी में भूल गया सब। ले लीजिए। चलो। जिंदगी में बहुत गुनाह किया ला और इधर आयला, एक भी शराफत का काम नहीं किया। अगर हम परसों तक नीलिमा को छुपा कर रखें तो कम से कम अगले जन्म में हम जरूर शरीफ आदमी बनकर पैदा होंगे। अपनी जुबान पर टाका मारो कि कोई बोलेगा नहीं कि नीलिमा इधर होती। आओ वादा करो। ईश्वर, ईश्वर है प्रेम, मोहब्बत खुदा है, खुदा है मोहब्बत। लव इज गॉड, गॉड इज लव, प्यार मेरी जान, प्यार हुआ। मेरी बेटी मिली क्या? नहीं मिला शेठ। अरे भाई रोड पे ढूंढोगे तो कहां से मिलेगी? खाली रोड पे ही नहीं शेठ, शहर के सारे होटल्स, लॉजेस, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सब जगह तलाश किया। लास्ट में जाके रजिस्ट्रार के ऑफिस में देखा, वहां मिला। कौन? नीलिमा? नहीं, एक नोटिस जिसमें लिखा था आज दोपहर को 3 बजे नीलिमा और चंद्रू की शादी होने वाली। हेल्पिंग नेचर लेडी प्रभावती ने ये नोटिस 1 महीना पहले चिटका दिया लेता। इसका मतलब कि प्रभावती जरूर जानती होगी कि नीलिमा कहाँ है। ठीक है, आओ चलो मेरे साथ। ये दूंगे फॉलो मी। दीदी घबराने की कोई बात नहीं, ऑपरेशन तो हो गया। जो दवाइयाँ डॉक्टर ने लिखकर दी हैं
वही माँ को देना। अपन दोपहर को चला जाएंगे, टेम निकाल कर 10 दिन के अंदर फिर आएंगे। दीदी तू जा, अपना ख्याल रखना। क्या सूरी, तू बॉस्टन स्कूल से कब आया? क्या ये लड़का बॉस्टन स्कूल का है? हाँ, लेकिन ये तो सरला की शादी में भी आया था। क्या शादी में आया था? हाँ। तो जरूर उस प्रवर्ती ने इसे तुम्हारी बेटी को किडनैप करने के वास्ते भेजा होगा। सूरी इधर आ तो। तू जा। अच्छा करके वो तुम्हारा आशीर्वाद लेने आएगी। बोल, प्रभावती ने मेरी बेटी को कहाँ छुपाया है? 3 बजे के बाद बताऊंगा। ये साला ऐसे नहीं बताएगा, ले चला से। साले काहे को फोकट में मर रहे ले? सीधा सीधा बता दे, अपनी जान बचा ले। बोले वाला छोकरों से चोरियां करवाना, दूसरों की चमचागिरी करना तुम्हारा धंधा है सुअर के बच्चे। हा? तुम्हारा कोई उसूल नहीं, लेकिन अब उनका है। तुझे 1 लाख कैश दूंगा हरामजादे, पता मेरी बेटी कहाँ है? अपुन को पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ उन दोनों को आशीर्वाद दे देना बस। हो गया शेट। इसकी लाश समंदर में फेंक दो, मछलियां खा जाएंगी। शेट, मेरा भेजे के अंदर आइडिया की घंटी बज रही है। क्या है? ये तो इधर खलास हो गया ना, उधर बॉस्टन स्कूल में एक छोकरा गिनती में कम होगा। शेट, आप ताबड़तोब डीआईजी के ऑफिस में रिपोर्ट करो। इससे क्या होगा? डीआईजी इंस्पेक्शन करेंगे, पता चलेगा कि एक छोकरा कम है, प्रभावती सस्पेंड हो जाएगी, और इस भागदौड़ में मैं खुद अंदर जाकर चंद्रमोहन का स्टोरी खत्म कर दूंगा। नो सर,
आपको किसी ने गलत खबर दी है, सब अंदर ही हैं। नो 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 नो, खबर देने वाला इस शहर का एक बड़ा ही जिम्मेदार आदमी है। इट्स माई ड्यूटी टू वेरीफाई। यस सर, प्लीज कम। यस, सवाल कर अटेंडेंस चेक करो। यस सर। नाम क्या है? गौतम। रमेश। प्रकाश। हमीद। प्रेम सिंह। प्रमोद। गोपी। रामू। सुरेंद्र। पवन। संजय। हरजिंदर सिंह। सत्यनारायण। पांडे। केवल। सूरज। नाम? दीनू। रविंद्र। आलोक। शैलेंद्र। सुरेश। महेंद्र। चंद्रमोहन। योर नेम? सूर्य प्रकाश। तुम्हारा? अली। राजू। नरेश। नियम। पांडे। राजन। मौकी। कल्याण। सुरेश। दिनेश। आशा। सब हाजिर हैं सर। सॉरी प्रभावती, किसी आदमी ने झूठी खबर दी थी। एवरीथिंग इज ओके। इट्स ऑल राइट सर। अरे अगर ये इधर मरेला पड़ा है तो उधर गिनती बराबर कैसे हुई? मेरे को तो समझ ही नहीं पड़ता। जरूर ये किसी के हेल्पिंग नेचर का कमाल है। छे, अगर हम ये डेड बॉडी डीआईजी के हवाले कर दे तो वो हम दोनों को जेल के अंदर डाल देगा। शादी के लिए 3 घंटे बाकी हैं, सिर्फ 3 घंटे। तिवारी। यस मैम। ये है मेरा रेजिग्नेशन लेटर और ये है सुशील कुमार के खिलाफ कंप्लेंट। खुद जाके डीआईजी साहब को देना। यस मैम। मैडम, आपने क्यों इस्तीफा दिया? इस्तीफा तो मुझे उसी वक्त दे देना चाहिए था जब मैंने तुम्हें यहां देखा। खैर कोई बात नहीं, 3 बजे तुम बालिग हो जाओगी और 3:05 पे तुम दोनों की शादी कर दी जाएगी। हेलो सर जी, मैं सुशील बोल रहा हूँ जी, आपकी बेटी इधर ही है। क्या, हॉस्टल स्कूल में? हाँ जी, वो प्रभावती 3 बजे उसकी शादी चंद्रू से करवा रही है। ये सब उसी की चाल है जी। माय गॉड। जाओ जल्दी से कपड़े बदल लो, 3 बजे तुम दोनों को रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंचना है। गो जी। गो, जाओ। तुम्हारे बाप ने मुझे जेल में डलवाया, अगर मैं तुम्हें रेप कर दूं, तो वो तुम्हें मेरे साथ ब्याहने पर मजबूर हो जाएगा। छोड़ मुझे, छोड़ो। नीलिमा, नीलिमा, दरवाजा खोलो नीलिमा। मैडम, पता नहीं क्या हो रहा है। नीलिमा, नीलिमा, दरवाजा खोलो नीलिमा, नीलिमा। अभी मैं कहती छोड़ दो इसको। चंद्रू क्या हुआ? चंद्रू कुछ समझ में नहीं आ रहा। नीलिमा छोड़ दो उसको। रवि, रवि,
हमें 3 बजे से पहले रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंच जाना चाहिए। तुम जल्दी से कपड़े बदल लो, आओ। सॉरी प्रभावती जी, आप इस्तीफा दी हुई सुपरिंटेंडेंट हैं और मैं कंप्लेन किया हुआ असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट हूँ। ठीक है जी, आपकी नौकरी तो जा चुकी है, मेरी नहीं, इसलिए आपसे इधर हुकूमत मेरी चलेगी जी। आप जाना चाहें तो शौक से जा सकती हैं, लेकिन ये दोनों नहीं जा सकते। देखो, मैं इन्हें अपनी पर्सनल गारंटी पर लेकर जा रही हूँ। शादी के बाद इन दोनों को यहाँ वापस छोड़ जाऊंगी। ये कह दिए जी, बाहर नहीं जा सकते। तुम अपन को चोरी करने के वास्ते रात को बाहर भेज सकता है? ओए चुप कर आरामजादे, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और अगर नहीं हटा तो? तो यहाँ खून बहेगा। प्रॉब्लम आ गई है, मुझे ये गाड़ी चाहिए।
तुम दोनों पीछे बैठो, जल्दी जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी छोड़ दो इसे, चलो। जल्दी चलो, इन्हें अंदर ले जाकर शादी करवाइए, मैं इन कमीनों को यही रोकती हूं। चलो, डोंट मूव। ये बार कैसा शोर है? हमने एक महीने का नोटिस इसलिए दिया था कि अगर कोई एतराज हो तो बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। प्लीज पुलिस को जल्दी फोन कीजिए। क्या आप दोनों में से किसी को इस शादी पर एतराज है? जी नहीं। भिंडे, पुलिस को जल्दी बुलाओ। गोली मार दूंगी। गोली मारेगी? मुझे मारेगी? मार मार मार, अरे मार यार मार। शादी रोको। आप दोनों यहां दस्तखत कीजिए। अंदर आने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगी। प्रभावती, क्यों अपनी जान की दुश्मन बन रही हो? हट जाओ मेरे रास्ते से। हट कैसे जाऊं? मैं इन दोनों बच्चों के रास्ते से अपने इकलौते बेटे को हटा कर ने यहाँ तक लाई हूँ। मैं इनकी शादी देखे बिना नहीं मरूंगी। फिर तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। छोड़ दो मुझे, ये मजदूर का लौंडा मेरा दामाद नहीं बनेगा, छोड़ दो। मैडम, दूसरे गवाह के दस्तखत भी होने चाहिए, वरना ये शादी मानी नहीं जाएगी।